हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम हिंदी सब्जेक्ट में क्या पढ़ेंगे? हिंदी सब्जेक्ट में हम आज पढ़ेंगे पठन अभ्यास, है ना। और ये आपकी बुक है लैंग्वेज पिक्चर डिक्शनरी, है ना। थीम ए एंड पेज नंबर प्लीज ओपन कीजिए 120। दिखाई दे रहा है सभी को? पेज नंबर 120 में पठन अभ्यास दिया हुआ है और इसमें क्या दिया हुआ है? वाक्य और शब्दों को पढ़िए, है ना। तो हमें यहाँ पर जो शब्द दिए हैं और नीचे जो वाक्य दिए हुए हैं, इसे लिखना भी है और पढ़ना भी है। तो चलिए बोर्ड में ध्यान दीजिए सभी लोग, किस प्रकार से पठन अभ्यास को हमें कंप्लीट करना है, है ना। सब्जेक्ट हिंदी क्लास वन, पठन अभ्यास पठन अभ्यास, है ना। तो इसमें क्या क्या हुआ पठन अभ्यास में? हमें दिए गए शब्द और वाक्यांश पढ़िए, दिए गए शब्द और वाक्यांश पढ़िए, है ना। तो इसमें देखिए हमारे पास एक बॉक्स बना हुआ है और उसमें बहुत सारे शब्द दिए। क्या दिए हुए हैं? शब्द। इन शब्दों को हमें पढ़ना है। चलिए, कौन कौन से शब्द है देखिए। घर, घर। क्या लिखा है? घर, घर। बतख, बतख। क्या बना? बतख। ओके, नेक्स्ट। भग, भगत। क्या बना? भगत, भगत। एंड नेक्स्ट ह, र, ठहर। ओके, कौन कौन शब्द बने? घर, घर। बत, ख, बतख। भगत, भगत। ठहर, ठहर। नंबर नेक्स्ट रमन, चल, चल। क, स, र, त, कसरत। क, र, कर। ओके, नंबर नेक्स्ट फल, फल। द, म, क, दमक। ज, ग, जग। प, र, म, परम। ओके, देन नेक्स्ट र, ख, रख। न, म, क, नमक। भर, भर। झ, प, त, झपट। इस प्रकार से ये हमारे पास शब्द हैं और इन शब्दों को हमें पढ़ना है ना, और हमें लिखना है। क्या क्या लिखा? चलिए अभी हम इसके बाद कुछ वाक्यांश लिख रहे हैं, उन वाक्यों को भी हमें पढ़ना है और लिखना है। तो अभी देखिए इतना हमने कंप्लीट किया, है ना। दिखाई दे रहा है सभी को? यस। अब इसके नीचे जो वाक्यांश दिए हुए हैं, इन वाक्यांशों को हमें बोर्ड में लेकर हमें लिखाना है। चलिए नंबर वन,
नंबर टू जग जग भर भर जग भर नंबर थ्री फल फल र ख र फल र नंबर फोर नंबर फोर ब त ख बतख च ल चल दिखाई दे रहा है सभी को यस नंबर फाइव र म न रमन च ल चल नंबर सिक्स क स र तर कसरत क न कर कसरत कर नंबर सेवन न म क नमक भ र भर नमक भर नंबर एट भ ग त भदक ह ह ग ह भदक ह ओके इस प्रकार से इतने सारे ये वर्ड्स दिए हुए हैं और इतने सारे ये वाक्यांश दिए हुए हैं अब इन्हें एक बार फिर से देखिए इस प्रकार से हमारा क्लास वर्क कंप्लीट होता है अब इसे आप लोग बच्चों फिर से एक बार समझिए पठन अभ्यास में क्या हो रहा है दिए गए शब्द और वाक्यांश पढ़िए चलिए पढ़ते हैं घर घर ब त थ बतख भ ग त भदक ठ भ र र म ह गमन च ल चल क स र त कसरत क र कर फ ल फल द म क दमन ज ग जग प र म पर ओके र ख रख न म क नमक भ र भर झ प ट झपट ओके इस प्रकार से ये शब्दों को हमने पढ़ा देन अब हम क्या करेंगे वाक्यांश को पढ़ना है घ र घर चल चल घर चल सेकेंड च ग जग भ र भर जग भर नेक्स्ट फल फल र ख र फल र नंबर फोर ब त ख बतख चल चल बतख चल र म न रमन चल चल रमन चल क स र क कसरत कर कर कसरत कर नंबर सेवन न म क नमक भर भर नमक भर एंड नंबर एट भर दर दर भगत थ भरा ठहर भगत ठहर तो इस प्रकार से ये शब्द और ये वाक्यांश थे इसे हमने आपको बोल करके पढ़ करके सुनाया लिखा तो ये सब बच्चों आप लोग को समझ में आया यस आप इसे समझिए है ना और आप लोगों को भी ऐसे एक एक वर्ण को एक एक अक्षर को बोल बोल कर लिखना है शब्दों को बनाकर आप लोगों को बोलना है जब आप लोग बोल बोल कर लिखेंगे एक एक शब्दों को तो आप लोगों को शब्द बनाते बनेंगे पढ़ते बनेगा है ना और हिंदी पढ़ना कोई बहुत कठिन बात नहीं है क्योंकि हमने ये जितने भी शब्द लिखा है
ये बिना मात्रा वाले शब्द है, समझ में आ रहा है। और दो अक्षर वाले और तीन अक्षर वाले शब्द हैं और बहुत इजी है, तो आप इसे डेली पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझिए। और पूरा हिंदी की नोटबुक में आप लोगों को ये लिखना है और हमें सेंड करना है, ओके। और ये आपको आपकी थीक एट की बुक में, लैंग्वेज पिक्चर डिक्शनरी की बुक में पेज नंबर 1720 में ये सारा दिया हुआ है, तो आप इसे बुक में भी देखकर लिख सकते हैं, बुक से भी कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। तो प्लीज आप लोग कंप्लीट कीजिए एंड हमें सेंड कीजिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।